नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला शहडोल संभाग के क्लस्टर बैठक लेने के लिए उमरिया जिले के बांधवगढ़ में पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के संगठनात्मक रणनीति बनाई। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज करने के मामले में कहा कि बेहतर समन्वय के लिए दोनों विभागों को मर्ज किया गया। किसी भी मंजूरी को लेने के लिए आप ज्यादा समय नहीं लगेगा। वर्ष 2024 में लोकतंत्र समाप्त वाले दिग्विजय सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम राजन शुक्ला ने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया, इसलिए दिग्विजय सिंह ऐसा अनर्गल बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र को अभिशाप बना दिया, भाजपा ने लोकतंत्र को वरदान बनाया। वहीं कांग्रेस में फंडिंग एकत्र करने के मामले को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस खुद कहते हैं कि पीएम मोदी को कोई नहीं हरा सकता, तो ऐसे में उन्हें बीजेपी को हराने के लिए क्यों कोई फंडिंग दे। ग्लोबल एनडीटीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। देना पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, तो उसको ये मानते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। वास्तव में लोकतंत्र को अभिशाप बना दिया था इन लोगों ने, भाजपा ने तो लोकतंत्र को वरदान बनाया है। भाई साहब, जीतू पटवारी ने एक बैठक बुलाई है, कांग्रेस ने कभी योजना बनाई थी फंडिंग देने के लिए कि कार्यकर्ता ही फंड देंगे, लेकिन अभी ऐसा देखा गया कि फंड उनका इकट्ठा नहीं हो पा रहा, कांग्रेस के नेता ही पैसा नहीं दे रहे हैं अपने संगठन को। अब ये तो उनका मामला है, कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, तो अब कौन पैसा देगा मोदी जी को हराने के लिए, अब उनको कौन मदद करे। जनता की नज़रों से वो उतर गए हैं और मोदी जी को लोग सिर माथे पर रखकर और आगे